अहमदाबाद का जेल रेडियो परवास, जो सुनाता है कैदियों की फरमाइश पर उनका मन पसंदीदा गाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कारागार में रेडियो शुरू किया गया है, जो खास तौर से वहाँ के कैदियों के लिए है। यहाँ कैदी अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं और आनंद दे सकते हैं। सभी को गाना सुनाने के लिए भी कारागार के रेडियो जॉकी के तौर पर कैदी को ही तैनात किया गया है। इन्हें यह काम इतना पसंद आ रहा है कि वह जेल से निकलने के बाद भी भविष्य में रेडियो जॉकी बनने पर विचार कर रहे हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीपी सिंह ने इस नई पहल को लेकर बात की है, जानिए उन्होंने क्या कहा। बंदियों के मनोरंजन के उद्देश्य से और उनको समय अच्छी तरह से यहाँ व्यतीत हो, इसके लिए रेडियो एफएम की स्थापना कारागार में कराई गई है। बंदियों का मेन उद्देश्य है कि वो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में रेडियो जॉकी के रूप में यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर के बाहर जाकर के एज ए रेडियो जॉकी वर्क कर सके, इसलिए भी ये रेडियो एफएम जिला कारागार में कार्यरत किया गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि रेडियो के जरिए कैदियों में क्या बदलाव देखने को मिला है। जब से ये रेडियो एफएम हमारा स्टार्ट हुआ है, बंदियों के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं, किसी को गायन का शौक है, किसी को वाद्य का शौक है, कोई कविता करना चाहता, तो अपनी प्रतिभाओं को वो रेडियो के माध्यम से बंदियों के बीच में प्रचारित करता है और उनकी जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निखर करके बाहर आती है। इससे बहुत अच्छा बंदियों में उत्साह का वातावरण हुआ है। इस पहल से कैदी न केवल अपना मन पसंदीदा गाना सुनेंगे, बल्कि इसकी मदद से उन्हें अपना तनाव घटाने में भी मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।